नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे फेमस गाड़ी दोस्तों महिंद्रा की, थार की बात करेंगे। दोस्तों थार एक ऐसी गाड़ी है दोस्तों जो हर किसी की पसंद होती है, जो भी गाड़ियों का शौक रखते हैं दोस्तों और जिन्हें गाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है उनके लिए थार दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है। और थार को लेना और दोस्तों थार गाड़ी को चलाना एक बहुत ही एक शौक पूरा करने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि थार वही लोग लेते हैं जो अपना शौक पूरा करते हैं दोस्तों। दोस्तों इस गाड़ी की जो पहचान बनी है वो है दोस्तों ऑफ रोडिंग के लिए, यानी कच्चे रास्ते के ऊपर चलाने के लिए इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी पहचान है दोस्तों महिंद्रा की, थार की, वो इसीलिए है कि अगर आपको ऑफ रोडिंग करना पसंद है दोस्तों तो आपको 100% ही महिंद्रा की थार आपको अच्छी लगती होगी दोस्तों, और थार आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए ये कार दोस्तों सबसे बेस्ट गाड़ी है। अगर आपको भी ऑफ रोडिंग करना पसंद है तो दोस्तों आप भी महिंद्रा की थार को ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस गाड़ी को लेने के लिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों इस गाड़ी को। इस गाड़ी में ऐसा क्या है और किस प्रकार से ये गाड़ी हमको मिलती है दोस्तों, क्या प्रोसीजर रहता है, सारा सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो के अंदर, आप बने रहे। अगर आपको दोस्तों इस गाड़ी के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाए तो इस दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, आगे शेयर करना, कमेंट करके आप मेरे साथ जुड़िए दोस्तों, आप अपनी राय मेरे तक पहुँचाइए। और चैनल पर अगर नए हैं तो नीचे दोस्तों लाल कलर का बटन आ रहा है जिसपे सब्सक्राइब नाम लिखा है, प्लीज़ मेरे भाइयों सपोर्ट कीजिए आप मेरे को, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर कोई वीडियो बना भी नहीं सकता दोस्तों और कोई वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल भी नहीं सकता जब तक आप लोगों की सपोर्ट हमारे साथ ना हो दोस्तों। तो इसलिए आपके प्यार और सपोर्ट की, आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, आप प्लीज़ अपनी सपोर्ट दीजिए और आप एक लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा जो एक कनेक्टिंग पावर है दोस्तों वो बना रहे और लंबे टाइम तक दोस्तों हम आपको नए नए वीडियो से अवगत कराते रहें और आपको नई नई जानकारी भी देते रहेंगे दोस्तों। तो करते हैं दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत। अगर आप थार लेना चाहते हैं, अगर आप थार गाड़ी के शौकीन हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस गाड़ी की कीमत के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कोई भी गाड़ी जब हम लेते हैं तो दोस्तों उसके बारे में सबसे पहले हमें कीमत के बारे में मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके बजट में वो गाड़ी नहीं आती तो आप दोस्तों चाहकर भी उस गाड़ी को नहीं ले पाते, क्योंकि आपके बजट के अगर गाड़ी बाहर है तो आप उस गाड़ी को बहुत मुश्किल होती है दोस्तों ले नहीं पाते। इसीलिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि अगर ये गाड़ी हमें अच्छी लगती है और हमारी पसंद है तो दोस्तों इस गाड़ी का बजट भी आपको साथ साथ में देखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पॉकेट के बजट में आएगी तभी आपके घर में ये गाड़ी आएगी दोस्तों। तो इसलिए इस गाड़ी की जो कीमत है वो जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, और कीमत मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इस गाड़ी को लेने के लिए आपको दोस्तों 13.5 लाख रुपये से लेकर 16 लाख रुपये तक स्पेंड करना होता है दोस्तों। इसकी कीमत है वो 13.5 लाख रुपए से दोस्तों स्टार्ट हो जाती है, महिंद्रा थार की कीमत 13.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है दोस्तों, और इस गाड़ी की जो कीमत है वो 16 लाख रुपए तक जाती है दोस्तों। अगर आप इस गाड़ी का शौक रखते हैं तो आपको इस गाड़ी की कीमत के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इसके माइलेज की, अगर हम इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं दोस्तों, अपने शौक को पूरा कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ माइलेज के बारे में भी जानना हमको ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि माइलेज भी बहुत बड़ी एक चलाने में इसकी भूमिका होती है दोस्तों माइलेज की, क्योंकि बगैर माइलेज के गाड़ी चल नहीं पाती। अगर गाड़ी माइलेज नहीं देगी तो रोज़ का गाड़ी को चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस गाड़ी की जो माइलेज है दोस्तों वो लगभग 15 की एवरेज ये गाड़ी दे देती है, और दोस्तों सिटी के अंदर अगर आप बाज़ार के अंदर रह रहे हो, बड़ी सिटी में हो, अगर आप बम्पर टू बम्पर गाड़ी को चला रहे हो दोस्तों, तो इस गाड़ी की जो माइलेज है वो दोस्तों ये 9 के करीब आपको माइलेज दे देगी। अगर आप मार्केट के अंदर इस गाड़ी को
जाम के अंदर भी चला रहे हो दोस्तों, तो भी ये गाड़ी आपको 9-10 की एवरेज दे देती है। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में, इसका इंजन कितने सीसी का है। इसका इंजन दोस्तों 2184 सीसी का इंजन है दोस्तों, बहुत बड़ा गाड़ी का इंजन है, तभी ये इतनी पावर जनरेट करती है दोस्तों, तभी इस गाड़ी की जो वैल्यू है वो मार्केट के अंदर बनी हुई है, क्योंकि इस गाड़ी का जो इंजन है वो बहुत पावरफुल है दोस्तों। 2184 सीसी का इंजन है इस गाड़ी का दोस्तों, और जो BHP जनरेट करती है दोस्तों वो 150 है इस गाड़ी की, 150 BHP जनरेट करती है दोस्तों ये। और इसका जो ट्रांसमिशन है दोस्तों, अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने के शौकीन हैं या फिर आप मैनुअल चलाने के शौकीन हैं, तो दोनों ऑप्शन दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं। आपको ऑटोमेटिक भी मिलेगा और मैनुअल भी गाड़ी के अंदर अवेलेबल होता है दोस्तों, आप जो चाहे वो गाड़ी ले सकते हैं, मैनुअल वाली ले सकते हैं या फिर आप ऑटोमेटिक वाली भी ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं, अगर आपको गाड़ी के अंदर आपके फैमिली मेंबर भी आपको साथ में बिठाने हैं तो कितना स्पेस होना चाहिए गाड़ी के अंदर, तो लगभग दोस्तों ये दो ऑप्शन के अंदर हमें ये गाड़ी मिल जाती है, जिसके अंदर 4 सीटर है और 6 सीटर भी दोस्तों ये गाड़ी अवेलेबल हो जाती है, एयरबैग गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। और दोस्तों बात करते हैं इसके फ्यूल टाइप की, दोस्तों ये गाड़ी हमें पेट्रोल के अंदर भी मिल जाती है दोस्तों और डीजल के अंदर भी अवेलेबल है, दोनों टाइप के फ्यूल में हमको ये गाड़ी अवेलेबल है दोस्तों। अगर आप पेट्रोल गाड़ी के शौकीन हैं तो आपको पेट्रोल भी मिल जाएगी, अगर आपको डीजल गाड़ी लेनी है तो डीजल भी दोस्तों ये गाड़ी मिल जाती है। और बात करते हैं दोस्तों इसके जो टैंक होता है गाड़ी का, जिसके अंदर हम फ्यूल डालते हैं, तेल को डाला जाता है दोस्तों, कितनी कैपेसिटी के अंदर ये इसका टैंक है, वो कितनी कैपेसिटी होती है दोस्तों टैंक की, वो है 57 लीटर तेल इस गाड़ी के अंदर आ जाता है। यानी एक बार अगर आप टंकी भरवा लोगे तो आप आराम से अपना जो ट्रिप है वो निकाल सकते हैं। और दोस्तों ये 4 सिलेंडर गाड़ी हमको मिल जाती है। और दोस्तों सबसे बड़ी गाड़ी की दोस्तों जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ महिंद्रा थार की, वो दोस्तों ज़मीन से इस गाड़ी की जो हाइट है वो 226 mm की हाइट है दोस्तों, यानी जो बीच का स्पेस हमें मिल जाता है गाड़ी का, वो अच्छा वाला स्पेस गाड़ी को मिल जाता है दोस्तों। इसी वजह से ये गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए काबिल है, और ऑफ रोडिंग करने के लिए दोस्तों गाड़ी को स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की ये गाड़ी दोस्तों महिंद्रा थार आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, शेयर करें दोस्तों वीडियो को आगे अपने दोस्तों में, ताकि ये गाड़ी किसी का शौक पूरा कर सके दोस्तों। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बटन को दबा दीजिए, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा देना। और मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।